उत्तराखंड सरकार में कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। धन सिंह जी, जिस तरीके से अंकिता भंडारी की हत्या के बाद से प्रदेश में इस वक्त जो माहौल बना हुआ है, लगातार विपक्ष सरकार को घेर रहा है लामबंद होकर, किस तरीके से देखते हैं? कार्रवाई अब कितनी आगे बढ़ रही है आरोपियों के खिलाफ? देखिए, एक तो मैं उत्तराखंड के पूरी जनता को निवेदन करना चाहता हूँ कि सरकार जो है पीड़ित परिवार के साथ खड़ी है। हमारी सरकार ने और हमारे मुख्यमंत्री जी ने तुरंत जैसे घटना की जानकारी मिली, तुरंत जो है उस पर कार्रवाई की है, दोषियों को जेल भेजा है, SIT जांच उस पर बिठा दी गई है और पीड़ित परिवार के साथ पूरी सरकार खड़ी है। और मैं कह सकता हूँ एक जिम्मेदारी के साथ में कि कोई भी दोषी हो, चाहे वो कितना भी बड़ा क्यों होगा, उसको बख्शा नहीं जाएगा। जिस तरीके से अभी बयान भी सामने आया है पूर्व CM हरीश रावत का, उन्होंने BJP को कटघरे में खड़ा किया है, साथ में आरोप भी लगाया है जिस तरीके से रिजॉर्ट के नाम पर विकास की बात सरकार करती है, वो कह रहे हैं कि ये गलत तरीके से बनाया जा रहा है, इसमें गलत काम किए जाते हैं। देखिए, इस समय पक्ष विपक्ष की कोई बात नहीं, इस समय तो यह है कि भाई हम कैसे पीड़ित को जो है न्याय दें और जो अभियुक्त हैं उनको कैसे बड़ी से बड़ी सजा दिलाई जाए, ये पूरा फोकस सरकार का इस पर है। जहाँ तक रिसोर्ट की बात है, तो रिसोर्ट तो देखिए भाई, आप सबको पता है कि कांग्रेस के ज़माने में कितने रिसोर्ट बने हैं, और ये रिसोर्ट तो व्यक्तिगत लोग बनाते हैं, कोई सरकार भी नहीं बनाती है। हाँ, उसमें अगर गड़बड़ हुआ है तो सरकार उसके खिलाफ कार्रवाई भी करेगी, और मुख्यमंत्री जी ने तो सारे रिसोर्ट जितने भी बने हैं उनके जांच के भी आदेश दे दिए हैं कि भाई वहाँ भी जांच की जाए कि कोई ऐसी घटनाएं, अप्रिय घटनाएं बाद में न हों। तो सरकार ने अपना मंतव्य स्पष्ट कर दिया है, और मैं फिर दोहरा रहा हूँ कि किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। लेकिन इस मुद्दे को लेकर उत्तराखंड से लेकर दिल्ली तक जो माहौल है, जो राजनीति है, पूरी तरह से गरमाई हुई है। आज ही दिल्ली में BJP के मुख्यालय पे आम आदमी पार्टी की महिला विंग ने जोरदार प्रदर्शन किया और सरकार पर तीखा हमला बोला है। अब देखिए, मैं ये कह सकता हूँ कि इस समय विपक्ष के लोगों को भी और विभिन्न राजनीतिक दलों को ये राजनीति करने का इस समय मौका नहीं है। इस समय मौका ये है कि भाई हम अभियुक्तों को सजा कैसे ज़्यादा से ज़्यादा दिला पाएँ और जो पीड़ित परिवार है उसको हम कितना सहयोग कर पाएँ, क्योंकि घटना तो हुई है और इस घटना की सरकार ने जितने पुरजोर तरीके से भर्त्सना की जा सकती कर दी है। तो मैं कह सकता हूँ कि ऐने से ऐसी घटना ना हो, इसके लिए पूरा जो है हम वहाँ के लिए रिसोर्ट के लिए भी एक अलग से नियम बनाएंगे ताकि ऐसी घटनाएं आइंदे से न हो। चलिए, हम सब आपके लिए शुक्रिया। कैमरा विद्याधर बारिक के साथ प्रणय शर्मा, टोटल न्यूज़।